वायनाड में हुआ बड़ा हादसा, अब तक हुई 24 लोगों की मौत। सरकार ने आईएएफ को दिया रेस्क्यू का जिम्मा। बारिश से केरल में रेड अलर्ट जारी। कहीं एक मासूम सा अरमान टूटा होगा, फिर मिट्टी का कच्चा मकान टूटा होगा। अमीरों के लिए बेशक तमाशा हो जलजला, पर गरीब के सिर पर तो आसमान टूटा होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। वो कहते हैं ना, पहाड़ देखने में जितना सुंदर होता है उतना ही खतरनाक भी होता है और उसमें ना जाने कितने राज दफन होते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन पहाड़ों पर भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की खबर आती रहती है। ऐसा ही एक मामला केरला के वायनाड से सामने आ रहा है। आपको बता दें, वायनाड जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। यह हादसा वायनाड जिले के मेपड़ी, मुंडकई टाउन और चूरलमाला में मंगलवार 30 जुलाई तड़के हुआ। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि भूस्खलन की चपेट में आकर 23 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भूस्खलन की चपेट में 70 लोग घायल हुए हैं। भारी बारिश के दौरान रात करीब 1 बजे मुंडकई टाउन में पहला भूस्खलन हुआ। मुंडकई में अभी बचाव अभियान चल रहा था कि तभी सुबह करीब 4 बजे चूरलमाला में एक स्कूल के पास दूसरा भूस्खलन हुआ। एक शिविर के रूप में चल रहे स्कूल और आसपास के घरों और दुकानों में भूस्खलन के चलते पानी और कीचड़ भर गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। केरल सीएमओ ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं और वायुसेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया है। सीएमओ ने कहा, भारी बारिश के बाद वायनाड में भूस्खलन हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट नेशनल हेल्थ मिशन ने कंट्रोल रूम खोल दिया है और आपातकालीन सहायता के लिए 2 नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर यानी कि MI-17 और 1 ALH रवाना हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि सभी अस्पतालों को मरीजों के लिए इलाज के लिए अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा, वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं और सभी हॉस्पिटल तैयार भी हैं। वहीं आपको बता दें, केरल में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD ने बताया है कि ज्यादातर जगहों पर बारिश हो सकती है। अगले 3 घंटों में केरल में छिटपुट गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वायनाड में भी बारिश का अनुमान जताया गया है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा पैदा हो सकती है। वायनाड में भारी भूस्खलन के बाद पीएम मोदी की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, वायनाड में भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। और इसी के साथ कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने भी भारी भूस्खलन पर दुख जताया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।